दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जिस प्रकार मशीन के अलग अलग भागों के कार्य अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी अलग अलग अंग होते हैं और हर अंग का कार्य भी अलग अलग होता है। यह बात कम ही लोग जानते होंगे कि कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से घुटनों के दर्द की इस तकलीफ से छुटकारा पाया जा सकता है। जी हाँ, आज मैं आपको ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगा जिसके द्वारा आप घुटनों के दर्द से राहत पा सकते हो। पहले ये जान लेते हैं कि घुटनों में दर्द क्यों होता है। घुटनों की मांसपेशियों में खून का दौरा सही से नहीं होना, घुटनों की मांसपेशियों में खिंचाव या फिर तनाव होना, मांसपेशियों में किसी भी तरह का चोट का प्रभाव होना, जोड़ों में ल्यूब्रिकेंट की कमी का होना, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की वजह से भी घुटनों में दर्द होते हैं। चलिए देखते हैं कि इससे छुटकारा किस तरह पाया जा सकता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। और हमारे सभी हेल्थ अपडेट्स को देखते रहने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो रागी का सेवन शुरू कर दें। इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है। इसके सेवन से घुटनों का दर्द, बदन दर्द, शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो उसे छुटकारा मिलेगा और शरीर में कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, रागी जो है वो कैल्शियम का खजाना होता है, जिसे अपने आहार में जरूर शामिल करें। रागी को इंग्लिश में फिंगर मिलेट और कई जगहों पर इसे मड़ुआ और महाराष्ट्र में नाचने के नाम से जाना जाता है। आप रागी का डोसा, इडली, चीला या फिर रागी माल्ट बनाकर भी पी सकते हो। इसके अलावा एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी या फिर मिश्री और एक चुटकी चूना आवश्यकता अनुसार पानी में इसको अच्छे से मिला लेना है। इसका एक पेस्ट बन जाएगा। रात को सोने से पहले इस पेस्ट को घुटनों में मालिश कीजिए और रोजाना इसका इस्तेमाल करने से सूजन, खिंचाव, चोट आदि की वजह से होने वाला घुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए एक प्रयोग और बताता हूँ, जिसे लगातार आपको 30 दिनों तक करना है। आपको चाहिए होगा इसके लिए 4 से 5 बादाम, 5 साबुत काली मिर्च, 10 किशमिश और 3 से 4 अखरोट। इन सभी को पीस लें। पीसकर एक गिलास गर्म दूध में इसको अच्छे से मिला लें और रोज रात को सोने से पहले इसे पीकर सोएं। दोस्तों, इससे घुटनों का दर्द, कमर दर्द, हाथ पैर दर्द, पिंडलियों में दर्द, बदन दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द हो, इससे आपको राहत मिलेगी, आराम मिलेगा। आप इसका लगातार 1 महीने तक सेवन जरूर करें। इसके अलावा खजूर का सेवन भी कर सकते हो। खजूर घुटनों के दर्द से राहत दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। रात को 1 कप पानी में 4 से 5 खजूर को भिगो दें और सुबह खाली पेट खजूर को खा लें और जिस पानी में खजूर भिगोए थे उस पानी को भी पी जाएं। ऐसा लगातार करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है और घुटनों के दर्द, बदन दर्द, पीठ दर्द में, हाथ पैर दर्द में बहुत ही फायदा मिलता है। ऐसा आप लगातार 2 से 3 महीने तक कीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही फायदा दिखेगा। इसके साथ साथ आप सुबह शाम एक्सरसाइज करें, चीनी का इस्तेमाल यानी शक्कर का इस्तेमाल कम से कम करें, जितना हो सके कम करें और संभव हो तो बिल्कुल भी ना करें। इसके बदले आप मिश्री का उपयोग कर सकते हो, गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ ही नमक का सेवन कम कर दें। ये नमक और चीनी है दोस्तों, ये धीमी जहर है, इसकी वजह से भी बहुत सारी सी बीमारियां लगती है, तो इसे कम कर दें और सुबह का धूप जरूर लें। ज्यादा से ज्यादा कच्ची चीजें अपनी डाइट में शामिल करें। सलाद, फल, फ्रूट्स का सेवन रोजाना करें। आई होप आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपने अपना कीमती समय दिया, वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए।